श्री राम समर्थ अप्रैल 13 संतों के ग्रंथ। संतों का ज्ञान ही इतना गहरा होता है कि उन्हें वेदांत का मर्म अपने आप समझता है। कोई एक ग्रंथ किसने लिखा, कब लिखा, कहाँ लिखा, उस ग्रंथ में विशिष्ट पन्ने पर क्या है आदि बातें शायद संत नहीं बता पाएंगे, किंतु उस विषय का मर्म वे सही सही जानते हैं। हम पोथी के केवल शब्द पढ़ते हैं, उसका अर्थ संतों की कृपा के सिवाय नहीं समझेगा। छोटा बालक पिताजी का संदेश अपनी तोतली बोली और उसे जितना समझ गया उन्हीं शब्दों में माता से कहता है, बस उतनी ही मात्रा में हम भी पोथी के शब्दों का अर्थ कह पाएंगे। संतों ने ग्रंथ लिखे इसका कारण है कि जिनको अपनी बुद्धि से उनका अर्थ समझ लेना, वह समझ ले और परमार्थ करे। संतों के वचनों का अर्थ खींचातानी करके समझने का प्रयास न करे, उसका सीधा अर्थ ले। ग्रंथ पढ़ते समय अपने मतों को अलग रखो। जैसे एक अक्षर पर दूसरा अक्षर लिखने पर पहला अक्षर दिखाई नहीं देता और समझता भी नहीं, वैसे ही अपना मत ग्रंथों के मतों पर लाद कर मत पढ़ो। ग्रंथ शुद्ध मन से पढ़ो। यदि अपने पिताजी का पत्र हमें मिलता है, हम उस पत्र का एक एक अक्षर सावधानी से पढ़ते हैं, वैसे ही ज्ञानेश्वरी, दासबोध आदि ग्रंथ मन लगाकर पढ़े। कई लोग जो पोथी सुनने के लिए जाते हैं, वे लोग हमें अच्छा कहे इसलिए, या अन्य कहीं मनोरंजन नहीं होता इसलिए, या कोई दूसरा उद्योग नहीं इसलिए जाते हैं। ऐसा करना योग्य नहीं। वस्तुतः संतों के ग्रंथ पढ़कर हमें स्वयं क्या करना चाहिए, उसे ढूंढकर जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और तदनुसार आचरण करना चाहिए। लेकिन ऐसा कृतिशील आचरण करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। एक ग्रंथ पढ़कर उनका सही अर्थ जानने वाले थोड़े अधिक होते हैं। बहुत बड़े संत का ग्रंथ है इसलिए उसे पढ़ना ही चाहिए, ऐसा कुछ लोगों को लगता है, इसलिए पढ़ने वाले और भी अधिक होते हैं। और उससे भी अधिक एक ग्रंथ कतई न पढ़ने वाले होते हैं। संसार का रस्म रिवाज का एक सिलसिला बंधा हुआ होता है। यह जो संसार का किसी एक ही दिशा से जाने वाला प्रवाह होता है, उसके विपरीत जाने का मार्ग संतों से सीखना पड़ता है। संतों को केवल व्यवहार के लिए देह का स्मरण रहता है। वे देह को छाया की तरह मानते हैं। छाया को दुख होना या पीड़ा होना योग्य नहीं, फिर भी संतों के मन पर सुख दुख का कोई परिणाम नहीं होता। संतों के लिए कुछ लोग बहुत परिश्रम करते हैं, ये लोग उनके नातेदार भी नहीं होते, संत उन्हें कुछ भी नहीं देते, पारिश्रमिक भी नहीं देते, फिर भी ये लोग इतनी मेहनत क्यों करते हैं? क्योंकि उनके मन में संतों के प्रति अपार श्रद्धा और अपनत्व होता है। संत एकांत में जाते हैं, इसका कारण उन्हें एकांत में मिलने वाले लोग अलग होते हैं, लोगों के भीतर मिलने वाले अलग होते हैं। लोगों के भीतर या समाज में संतों की शांति बिगड़ जाती है ऐसी बात नहीं, किंतु समाज में जिनसे वे मिल नहीं पाते हैं उनसे मिलना संभव हो इसलिए एकांत में जाते हैं। आज का मुख्य विचार, किसी भी संत के ग्रंथ का अध्ययन करते समय उसमें दिए हुए तत्व कृति में उतारने हैं
ऐसी भावना रख कर पढ़ा जाए। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।